बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाने जा रहे हैं बीफ रोस्ट, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। योगर्ट 5 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, तीखा बोटी मसाला 5 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून एंड सिरका डाल देंगे 3 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 केजी बीफ ले लिए है, इसके अंदर हम इसको डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद इसमें ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसको हम 7 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे, पानी डालेंगे एज़ रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर हम खुश्क मसाले ऐड करेंगे। साबुत धनिया 3 टेबलस्पून, लहसुन 4 से 5 पीसीस, और मिक्स स्पाइसेस में है दालचीनी, लौंग और बादियाने खटाई। इसको हम इसमें डाल देंगे। इसके ऊपर हम एक छानी रख देंगे और इस छानी के ऊपर हमने जो बीफ मैरिनेट किया था इसको डाल देंगे। इसके बाद इसको पेपर से कवर कर देंगे। और इसको 2 घंटे के लिए लो फ्लेम में पकाएंगे। 2 घंटे के बाद जो हमारा बीफ है वो अच्छी तरह से कुक हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसकी कोटिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए, 2 अंडे मीडियम साइज़ के, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोटिंग का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। इसको एग में डिप करके हम ऑयल में रखेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद जो हमारा है रेडी हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो बीफ रोस्ट है वो रेडी हो गया है। ये बहुत ही मज़े का है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।